वार्ड क्रमांक 10 गुप्तेश्वर वार्ड में भी पार्षद पद के उम्मीदवारों का सघन जनसंपर्क जारी है। गुप्तेश्वर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद पद प्रत्याशी के तौर पर निशा राठौर को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्षद पद की महिला प्रत्याशी निशा राठौर और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और मतदाताओं से वार्ड के विकास के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 गुप्तेश्वर वार्ड से भाजपा की पार्षद पद उम्मीदवार निशा राठौर और उनके समर्थकों का जनसंपर्क लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी निशा राठौर और उनके समर्थकों ने वार्ड के अंतर्गत आने वाले कालीबाड़ी, प्रेमनगर, महानद्दा, राधा स्वामी सत्संग भवन और आसपास के इलाकों में व्यापक जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को हल करने का वायदा किया। लगातार हमारा जनसंपर्क चल रहा है और सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। गुप्तेश्वर वार्ड की निशा राठौर जी के द्वारा जनसंपर्क किया गया है। कृपाल चौक में, गुडलक अपार्टमेंट, अंबर बिहार और महानद्दा रोड में, जो कि हमारा घर घर जनसंपर्क हो रहा है। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और विपक्ष द्वारा जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उससे मैं गुप्तेश्वर वार्ड की जनता से आग्रह और अपील करना चाहूँगी कि निशा राठौर जी कृपाल चौक अड्डे में ही रहती हैं और आने वाले समय में अगर वह जीत के आती हैं तो हम गुप्तेश्वर वार्ड में हम दोनों ही पार्षद मिलजुल कर काम करेंगे। जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी निशा राठौर और उनके ढेरों समर्थक लगातार मतदाताओं के घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं।